जाम की समस्याओं के समाधान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से एक नई पहल की गई है। आम जनता को जाम की परेशानी से निजात दिलाने के लिए भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शहर में दो अलग अलग जगहों पर अस्थाई बस स्टैंड की व्यवस्था की है। नया बस स्टैंड भागलपुर जीरो माइल और रिक्साडी के पास बनाया गया है, जिसको लेकर बस चालकों के बीच असंतोष का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल सभी बस चालकों एवं बस डिपो कर्मियों ने जिला प्रशासन से नए बने बस स्टैंड पर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने एवं इस ओर आने जाने वाले वाहनों के लिए मार्गों को दुरुस्त कराने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे चालकों ने चक्का जाम करते हुए कहा कि जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी के द्वारा जिस जगह को बस स्टैंड के लिए चयनित किया गया है, वहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों को दुरुस्त कराया जाए। इसके अलावा पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था करवानी आवश्यक है। इस दौरान बस चालकों ने कहा कि जब तक सारी सुविधाएं दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगा और उन सभी के लिए नए बस स्टैंड पर बस की सेवा देना संभव नहीं हो सकेगा। यह है बस स्टैंड के लिए लोगों सुविधा नहीं है, अकतार रिक्शा भी जाने के लिए वहाँ तो सुविधा दे दे, हम लोग चल जाएंगे। क्या दिक्कत परेशानी हो रही है वहाँ? वहाँ दिक्कत है कि वहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है, गाड़ी लगेगा किसे? पानी थोड़ा गाड़ी गाड़ी अभी जाएगा तो जाके फंस जाएगा। सारा विधि व्यवस्था के साथ में हमको दीजिएगा स्टैंड। जीरो माइल में दिए है तो वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है। चलो अभी तक हम लोग सम किए हुए हैं। एक गाड़ी 25 से 30 लाख है, गाड़ी एक बार लगवाया फंस गया, बम्पर टूट गया, और अभी भी गाड़ी में वहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, न लेटरिन है, न बाथरूम है, न यात्री से व्यवस्था करे, हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार। यात्री के लिए सारा परेशानी यात्री के लिए, अभी बौखरा पूरा स्टेशन पे रोड पे कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे कोई व्यवस्था नहीं, कोई सिस्टम नहीं किया प्रशासन ने, कोई बनाया जगह कोई नोटिफिकेशन किया है न कोई कुछ कुछ किया, ऐसे भेज दिया कि जाओ मतलब। भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा 158 नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड का शुक्रवार को दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने कई मतदान केंद्रों के मतदाताओं के घरों का भ्रमण किया, साथ ही ग्रामीणों, बुजुर्गों एवं महिलाओं से मतदान सूची में नाम दर्ज होने न होने एवं चुनाव में मतदान करने से संबंधित जानकारियां ली। उन्होंने सभी ग्रामीणों को लोकसभा निर्वाचन में सपरिवार मतदान करने के लिए प्रेरित किया। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को तीसरे चरण के शिक्षक बहाली को लेकर परीक्षा आयोजित की गई। 87,774 शिक्षक पदों के लिए दो पालियों में आयोजित बीपीएससी की परीक्षा में भागलपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने शामिल होकर परीक्षा दी। भागलपुर के 24 परीक्षा केंद्रों पर कुल 18,696 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पहली पाली में 11,000 से अधिक और दूसरी पाली में 7,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चली। बता दें कि आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार सभी परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले ही सेंटर पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कई परीक्षार्थी निर्धारित समय से विलम्ब केंद्र पर पहुंचे, जिन्हें गेट बंद हो जाने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ परीक्षा केंद्रों पर दीवार फांदकर परीक्षार्थी प्रवेश करते दिखे। वहीं इससे पूर्व ई एडमिट कार्ड पर QR कोड स्कैनिंग और बायोमेट्रिक जांच के साथ OMR सीट के बारकोड की स्कैनिंग की गई, जबकि कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थी बिना मोबाइल और किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सेंटर पर परीक्षा में शामिल हुए। BPSC के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के शिक्षकों के लिए आयोजित की गई परीक्षा में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी विषय समेत कई अन्य विषयों की परीक्षा आयोजित हुई। लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान मतदाताओं के वोट प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर एक ओर जहां चुनाव आयोग, जिला प्रशासन और कई सामाजिक संगठनों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है,
वहीं इसी कड़ी में भागलपुर प्रभात खबर के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रविवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार को समाचार पत्र के स्थानीय संपादक अनुराग कश्यप और यूनिट हेड निर्भय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता जागरूकता रैली से जुड़ी जानकारियां साझा की। अनुराग कश्यप ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में मतदान की ताकत और अधिकार का बड़ा ही महत्व है और अधिक से अधिक संख्या में वोटर अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए भागलपुर समेत देश के सभी नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों से उनके संस्था द्वारा मतदान जागरूकता अभियान को लेकर कार्य किया जाता है और इसी कड़ी में सामाजिक जिम्मेदारी के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं के प्रतिनिधि, छात्र एवं छात्राएं शामिल होंगे। साथ ही एडिटर अनुराग कश्यप ने कहा कि देश में मतदान प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है और ऐसी स्थिति में बेहतर प्रत्याशी का चयन कर देश एवं समाज हित में मतदाताओं को अपने अधिकार का प्रयोग करना आवश्यक हो गया है। वहीं बिजनेस हेड निर्भय कुमार सिन्हा ने कहा कि भागलपुर CMS स्कूल परिसर से 17 मार्च को मतदाता जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जो घंटाघर चौक से गुजरते हुए विभिन्न मार्गों से होकर पुनः प्रभात खबर कार्यालय पहुंचकर संपन्न होगी। प्रभात खबर जो है वो पिछले दो दशक से झारखंड, बिहार और बंगाल के इलाके में मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में काम करता रहा है। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है कि प्रभात खबर अखबार की एक जो भूमिका रही है कि हमारी सामाजिक जिम्मेवारी क्या है अखबार खबर छापने के अलावा, तो अब ये मोटे तौर पे समझिए कि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि हर साल दर चुनाव जो है मतदान का प्रतिशत घटता जा रहा है। जब मतदान लोग खुल के करेंगे नहीं, मतदान का प्रतिशत घटेगा तो अच्छे और योग्य प्रत्याशी आ नहीं पाएंगे। इसको लेकर बिहार और झारखंड के इलाके में हर चुनाव में, संसदीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, लगातार प्रभात खबर की कोशिश रहती है कि मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम चलाए। उसके लिए हम लोग छोटे छोटे स्कूल से लेकर सब जगह पे इवेंट करते हैं। उसी इवेंट की कड़ी में 17 मार्च को भागलपुर में जो है हम लोग यहाँ CMS कंपाउंड से एक मतदाता जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग जुड़ रहे हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और जैसा कि अभी सर बता रहे थे मतदाता जागरूकता अभियान के बारे में, प्रभात खबर लगातार इस सब चीज़ों को करता रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि इसमें जितने भी लोग हैं, सारे संस्था को हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर न्योता दिया है। साथ ही में एक एक परिवार को आप सभी के माध्यम से, परिवार के एक एक सदस्य को जागरूक करने के लिए एक आह्वान करते हैं कि उसमें महिलाएँ भी जो खुल कर सामने आएँ। पुरुष तो रहते ही हैं और ख़ास करके पुरुषों से भी मेरा निवेदन है कि घर की महिलाओं को भी बाहर लाएं, जो चीज़ इस भागीदारी में शामिल हो और जिस दिशा में हम सब बढ़ रहे हैं, एक स्वस्थ समाज के लिए आपका मतदान जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600।
भागलपुर में चुनाव का पर्व देश का गर्व कार्यक्रम के तहत टीएनबी महाविद्यालय के एनएसएस इकाई द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान करने एवं अपने रिश्तेदारों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करने को लेकर मतदाता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परीक्षा जारी रहने के बावजूद भी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने मतदाता शपथ दिलवाई। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने किया। मौके पर धीरज कुमार मिश्रा, अमित कुमार अकेला, डॉक्टर बबीता कुमारी, डॉक्टर सुजाता गुप्ता समेत महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थे।